हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश। इन इंग्लिश टुडे आई विल डिस्कस योर सेकेंड चैप्टर इन योर बुक मैरीगोल्ड। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा का अलार्म क्लॉक। ओके, इसमें हमारे दो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट है नैरेटर, सेकेंड नेहा। ओके, नैरेटर है जो कहानी सुना रहे हैं और नेहा जिसके बारे में कहानी सुनाई जा रही है। ओके, सो नाउ आई विल रीड दिस स्टोरी एंड यू ऑल लिसन केयरफुली। नैरेटर, रिंग रिंग रिंग, ऑफ कोर्स द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। नेहा मेक्स अ फेस अ कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो, सनग्लास अंडर द वार्म ब्लैंकेट। जो आवाज़ आती है रिंग 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 की, ऑफ कोर्स ये किसकी थी? अलार्म क्लॉक की थी, जो सुबह 6 बजे बज रहा था। जैसे ही अलार्म क्लॉक बजा, जो नेहा थी उसने अपना फेस बहुत ही अजीब सा बनाया और अपने कानों को अपने पिलो से कवर कर दिया और गर्म रजाई के अंदर चली गई। बट सी नोज सी हैज़ टू गेट अप, सी मटर टू हर सेल्फ। पर उसे पता था कि उसे उठना तो है ही। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. नेहा कहती है, अरे ये अलार्म क्लॉक तो हमेशा 6 बजे सुबह बज जाता है और इसके बाद मुझे उठना पड़ता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। वो कहती है, काश ऐसा होता कि मैं सुबह बहुत ही देर तक सोती रहती, काश ऐसा हो जाए कि ये जो घड़ी है ये अपने जो अलार्म बजता है सुबह सुबह ये बजना बंद कर दे। नैरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। नेहा, ओह माय क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नेहा कहती, ओह जो मेरी घड़ी है वो क्या खराब हो चुकी है, अब कल मैं देर में उठूंगी। नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। फिर क्या होता है अगली सुबह, क्या होता है कि जो नेहा का अलार्म क्लॉक होता है वो बजता ही नहीं है और नेहा बहुत देर तक सोई रहती है। तभी क्या होता है, नेहा की विंडो में कुछ चिड़ियाएँ आके चिप चिप करके आवाज़ करती हैं और नेहा को उठा देती है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, बर्ड कहती है उठो जल्दी उठो। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा उठती है। नेहा, ओ नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। फिर नेहा कहती है, ओ नो, अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये क्या है, अरे ये तो बर्ड्स हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। Narrator, even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. अगली सुबह क्या होती है, नेहा की ये विश पूरी हो जाती है। अगले दिन अलार्म क्लॉक भी नहीं बजता है और कोई बर्ड्स भी उसे उठाने नहीं आते हैं, बट उसे कुछ आवाज़ आती है। आपको पता है वो कौन थे? वो सन था, ठीक है, जो बहुत ही चमक रहा था। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, और वो बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ नेहा की रूम की तरफ आ रहे थे। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कॉन्ट ही लेट मी बी। फिर नेहा कहती है, ओ मेरी आँख, ये तो सन है, ये मुझे क्यों नहीं छोड़ देते हैं। नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा स्नोर्स टिल सी हियर्स हर मदर्स वॉइस। अगले दिन क्या होता है कि नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है, जो सन होता है वो बादलों के पीछे छुप जाता है और नेहा बहुत देर तक सोई रहती है जब तक उसकी मदर की आवाज़ नहीं आती है। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। नेहा की मदर कहती है, उठो तुम अब तक सोई हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल बस छूटने वाली है। नेहा, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। फिर नेहा कहती है कि अरे क्या ये, क्या मेरी माँ है, जो मेरी मम्मी है, वो क्यों है मुझे उठाने के लिए।
Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. फिर नरेक्टर कह रहे हैं कि अगले सुबह क्या होता है कि नेहा उठती है और तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसके बाद अगले दिन क्या हुआ होगा। जब नेहा उठी तो उसने देखा कि उसकी वॉच में 6 o'clock हो रहे हैं। फिर वो अपनी मदर से कहती हैं, नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, मुझे आज किसने उठाया। नरेटर, मदर स्माइल्स, उसकी माँ हंसती है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। मदर कहती है, कौन। ऑफ कोर्स तुम खुद उठी हो नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, पर मैं तो सोई थी, मैं कैसे। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। फिर उसकी मदर कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम अपना लंच आफ्टरनून यानी दिन के समय में क्यों करती हो। नेहा, आई फील हंग्री, मैं अपने आप को भूखा महसूस करती हूँ। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night। फिर मदर कहती है कि तुम हर रात को रोज 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद महसूस होती है उस समय। मदर, देर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू वेन टू ईट, वेन टू स्लीप एंड वेन टू वेक अप। तो मदर कहती है कि जो तुम्हारा माइंड है उसके अंदर एक क्लॉक बन चुकी है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है। नेहा, ओ ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। फिर नेहा कहती है, ओ ये तो बहुत अच्छा है कि अब भीड़ भी नहीं होगी और ना ही मैं अपनी स्कूल बस को मिस कर पाऊँगी। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। मदर कहती है कि रिलैक्स करो, आज तो संडे है। नेहा, ओ ओ ओ, नेहा कहती है, ओ ओ ओ। सो ये स्टोरी थी नेहा एंड नेहास अलार्म क्लॉक की। ओके, सो देखते हैं हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स इसमें सीखे हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें स्नूगल्स। स्नूगल्स मीन्स होता है जब हम किसी चीज़ से बिल्कुल चिपक के बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। ओके, सेकेंड मटर्स। मटर्स मीन्स होता है धीरे से कहना। नेक्स्ट है विंडो सिल। विंडो सिल मीन्स खिड़की के लिए बोला गया है। ओके, लास्ट है इसमें रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स होता है आराम। ओके, सो ये थे चैप्टर के न्यू वर्ड्स। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।